प्रदेश सरकार एक बार फिर से लाडली बहनों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब बहनों को 1500 रुपये प्रति माह देने की तैयारी की जा रही है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उनके राशि में 250 रुपये की वृद्धि की गई थी, जिसका लाभ उन्हें अक्टूबर महीने से मिलेगा। अक्टूबर महीने से सभी लाडली बहनों को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं माना जा रहा है कि इस राशि में 250 रुपये की वृद्धि की घोषणा और की जा सकती है। मध्यप्रदेश के लाखों लाडली बहनों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अक्टूबर के इस प्रथम सप्ताह में 250 रुपये की वृद्धि की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही लाडली बहनों को मिलने वाली राशि 1250 रुपये से बढ़कर 1500 रुपये तक हो सकती है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा इसकी तैयारी शुरू की जा रही है। बता दें, मध्यप्रदेश में 1,31,00,000 लाडली बहनों को वर्तमान में 1000 रुपये प्रति महीने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुरूप अक्टूबर से यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह हो जाएगी। अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसमें 250 रुपये की वृद्धि होने के साथ राशि 1500 रुपये तक हो सकती है। इस पूर्व आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीना देने के लिए नारी सम्मान योजना लागू करने की गारंटी दी है। इसके लिए अब तक 56,00,000 आवेदन भी भरवाए जा चुके हैं। वही मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहनों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि में धीरे धीरे वृद्धि की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में घोषणा की थी कि राशि को बढ़ाकर 3000 रुपये तक किया जाएगा।